सोलन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार द्वारा प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर पर जवाबी हमला किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जब कहा गया कि कोरोना के साथ कांग्रेस को भी खत्म कर देंगे, तो इस टिप्पणी पर सोलन जिला भाजपा काफी सुर्ख नजर आई और उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि वे एक सुलझे हुए नेता है, बेतों की बातें कर अपनी छवि को नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना और कांग्रेस को खत्म करने से पहले वे प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को खत्म करें। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर भाजपा मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, वे उन पर ध्यान केंद्रित न करते हुए हिमाचल की जनता का ध्यान अन्य मुद्दों पर आकर्षित करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये होने नहीं देगी। सोलन जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना के साथ कांग्रेस को भी खत्म करने की बात कह रहे हैं, लेकिन शायद वे ये नहीं जानते कि कांग्रेस की वजह से ही भारत को आजादी मिली थी और कांग्रेस अपने आप में एक इतिहास है जिसे खत्म करने का वे ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वे इस तरह की बातें कर हंसी का पात्र बन रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर उन्हें अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आज जयराम जी ने एक शोषा छोड़ दिया कि कोरोना भी खत्म हो जाएगा और कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। बड़ी शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री जी या तो वो अयोग्य व्यक्ति है या उनको समझ नहीं है। ये कितने बड़े ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बात करे तो लोगों के बीच हंसी का विषय बन जाता है। उनको समझना चाहिए कि कांग्रेस जो है इस देश को आजाद कराने वाली पार्टी है। कांग्रेस का लंबा चौड़ा इतिहास है। मुख्यमंत्री पद पर बैठ के दिमाग खराब हो गया है क्या जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? उन्हें समझना चाहिए। मैं तो उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि खुद तो क्या खुदा से भी दूर होता हूँ, बशर्ते कि जब जयराम जी सदा के नशे में चूर होते हैं। इसकी भी हम आलोचना करते हैं। उनका अपना बयान वापस लेना चाहिए। इस तरह के बयान मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छे नहीं लगते। और महंगाई के ऊपर कंट्रोल लाना चाहिए। हमारे जो बेरोजगार नवयुवतियाँ हैं उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। तो मेरा यही आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मेरा सरकार के कान में ये बात डालने की कोशिश है, क्योंकि आम जनता की बात तो सुनना नहीं चाहते। अडानी अंबानी यही इन्हीं की सुनी जाती है, हम लोगों की सुनते नहीं। लेकिन आप मीडिया हमारा लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। आप लोगों की बदौलत हम अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि प्रदेश में जिस तरह का महंगाई का वातावरण बना हुआ है, अराजकता का वातावरण बना हुआ है, इस पर ये सरकार तुरंत अंकुश लगाए।